एमसीडी का जिम्मेदारी है और ये अधिकारियों की भी जिम्मेदारी होती है कि जो जहाँ उसकी जिम्मेदारी दी जाती है। नमस्कार, आपका स्वागत है द हिंदू जोन में। आज हम लोग आ चुके हैं उसी राव आईएएस कोचिंग के सामने जहां का ये हादसा बताया जा रहा है, जहां की लाइब्रेरीज में बच्चे बैठकर पढ़ रहे थे और जल भराव के कारण उन निकलने में असमर्थ रहे और जो गेट बताया जा रहा है वो लॉक हो गया था पावर कट के वजह से। और आप देख सकते हैं कि ये मोटर्स लगे हैं, इन मोटर्स से यहाँ पर पानी निकालने का काम जारी है। जारी अभी तो नहीं दिख पा रहा है, बट वो इन्हीं मोटर्स के द्वारा ये पानी निकाले गए थे सारे, आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ इधर पूरी पुलिस प्रशासन तैनात है, विक्रांत वाहन, वज्र वाहन, फायर ब्रिगेड्स, पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद है ताकि शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हो सके, जो भी बच्चे अपनी राय रखना चाहते हैं, जो भी बात कहना चाहते हैं वो सब कह सके। और साथ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ टूटा फूटा सा आपको दिख रहा है मंजर, जो कि इसके नीचे ही सीवेज है जिसकी सफाई करने के लिए यहाँ से अतिक्रमण हटाया गया है ताकि इन सीवेजेस का मरम्मत हो सके पूरी तरीके से। और देख सकते हैं आप यहाँ पे जो भी बैरिकेडिंग लगे हैं, इन बैरिकेडिंग के पीछे स्टूडेंट्स बैठे हैं जो कि शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। शुरुआत के दिनों में यहाँ पे बहुत सारे सैकड़ों बच्चे हुआ करते थे प्रोटेस्ट करने के लिए, बट अभी आप देख सकते हैं कि कुछ मात्र एक स्टूडेंट्स बैठे हैं जो कि शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी डिमांड्स रख रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या प्रशासन को क्या करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो चाहते हैं कि जल्द से जल्द कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को खोला जाए ताकि उनके आने वाले एग्ज़ाम्स अफेक्ट ना हो और वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रख सके। तो आइए हम बच्चों से उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं, जानते हैं कि वो क्या चाहते हैं। तो हम यहाँ यूपीएससी एस्पिरेंट्स के बीच में खड़े हैं और हम इनसे कुछ सवाल जवाब करके पूछना चाहेंगे कि आखिरकार बच्चे दिल्ली क्यों आते हैं पढ़ाई करने के लिए, उनको क्या देखना चाहिए कोचिंग यूनिवर्सिटीज़ में, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में क्या देख के आना चाहिए, कैसे उनको पता चलेगा कि कहाँ क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं और क्या क्या बच्चों को देखना चाहिए। जी सर, अपना नाम बताएं। जी सर, मेरा नाम अभिषेक है, मैं 5 दिन से इधर प्रोटेस्ट पर हूँ और मैं यही कहना चाहता हूँ कोई भी स्टूडेंट दिल्ली आता है तो उसको बाकायदा उसके लिए प्रिपेयर होकर आना चाहिए कि कौन सा इंस्टीट्यूट हमारे लिए अच्छा होगा, कौन सा नहीं होगा। यदि जैसे आजकल क्या चल रहा है कि टेंड की कोचिंग इंस्टीट्यूट का दृष्टि का देखिए, अदर इंस्टीट्यूट का देखिए कि वो एक मोटिवेशनल वीडियो डालते हैं तो बच्चे क्या आजकल जैसे हिंदी मीडियम का बच्चा हुआ तो वो क्या एक दृष्टि देख के दृष्टि में ही एडमिशन लेने के लिए आएगा, दिल्ली आएगा कि दृष्टि बेस्ट है, तो वो मोटिवेशन जो वीडियो डालते हैं उसको देखकर ना आए। ये कोचिंग इंस्टीट्यूशन एक ऐसा जो बिजनेस बन गया है, बच्चे उसमें फंस गए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों को उसका रिजल्ट, उसकी कितनी पुरानी इंस्टीट्यूशन है, कितने बच्चे वेल क्वालिफाइड हुए हैं उससे उसको देख कर आना चाहिए। जी, तो आप क्या समझते हैं कि बच्चे दिल्ली ही क्यों आते हैं तैयारी करने के लिए यूपीएससी की? देखिए सर, इसमें मेन पॉइंट बात एक ये है कि दिल्ली में एक यहाँ ओल्ड राजेंद्र देखिए, मुखर्जी नगर देखिए, यहाँ एक माहौल मिल जाता है, एक इन्वायरमेंट मिल जाता है उसको, एक कि यहाँ पर सारे लोग जो स्टूडेंट रह रहे हैं उसके साथ बात कर सके, डिस्कस कर सके, इसलिए वो दिल्ली आता है। तो अभी जो इंसिडेंट हुआ इससे लेकर जो एडमिनिस्ट्रेशन का स्टेप्स रहा है और जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के तरफ से स्टेप्स लिया गया है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि जैसे बताया गया कि अभी एक रिपोर्ट में बताया गया कि यहाँ के इंजीनियर ने रिपोर्ट डाला है कि यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सही से काम नहीं कर पा रहे हैं, इसका इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है, आज लगभग 9 दिन हो चुके हैं इस इंसिडेंट को, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, इसमें मुझे तो ये नहीं पता कि मैं तो यही कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट की इसमें सबसे बड़ी जो होती है कमियाँ होती हैं, क्योंकि जो सरकार होती है वही चीज़ें एमसीडी होती है, वही चीज़ें मैनेज करती हैं, कहीं ना सीवेज का सफाई कराना, वाटर लॉगिंग हो रही है उसको सा हटा, मतलब जो भर गया है फ्लड का पानी या नाले का कैनल का पानी आ गया तो उसको साफ़ सफाई कराना प्रॉपर टाइम टू टाइम, ये एमसीडी का काम होता है।
जी, तो एमसीडी पे आते हैं। एमसीडी के रिपोर्ट में ये आया था कि राव आई एस के पास में जो नाले हैं वो जाम हो चुके हैं, तो ये किसके किसके ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आता है, ये किसकी जिम्मेदारी है, इनकी सफाई करना, नालों की देखभाल करना, ये कोचिन का जिम्मेदारी है, एमसीडी का जिम्मेदारी है, किसका जिम्मेदारी है और किसका फॉल्ट है इसमें? देखिए, ये एमसीडी का जिम्मेदारी है और ये अधिकारियों की भी जिम्मेदारी होती है कि जो जहाँ उसकी जिम्मेदारी दी जाती है ओल्ड आयन नगर में, जिसको भी जिम्मेदारी दी गई थी उसकी जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ पर कोई सिचुएशन ऐसी ना बने, कोई नाला में पानी भी भर रहा है, उसकी प्रॉपर प्लानिंग के तहत कि बारिश आने वाली है उसकी पहले से ही साफ़ सफाई करा ली जाए, जिससे आने वाला कोई इंसिडेंट ना हो किसी के साथ। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद आपसे बात करके। और अगर आप कुछ कहना चाहें, इसमें जोड़ना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। जी बस, मैं आप क्या, अच्छा आप क्या डिमांड, आपके क्या मतलब सोचते हैं कि अभी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को, एडमिनिस्ट्रेशन को क्या स्टेप्स लेने चाहिए? मेरी सर एक ही डिमांड ये है कि एज अ फ्यूचर कोई नया स्टूडेंट दिल्ली आता है उसके साथ भविष्य में कोई घटना ना हो, तो इसके लिए दिल्ली सरकार एक टोल फ्री नंबर जारी करे जिससे उस पर शिकायत कर सके कोई स्टूडेंट उसके साथ घटना घटी हो, और जो भी एक दूसरी हो स्टूडेंट वेलफेयर फंड बनाए जिससे उसको फंड मिल सके और मतलब उसको सांत्वना जो भी है मिल सके।